नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं thelondontop.com। ये खबर हम यूपी से लेकर आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु के बाद हुए उनके अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम के बिल का अभी तक भुगतान नहीं हो सका है और इससे जुड़े खर्च की फाइल अभी भी यूपी के सरकारी विभागों के चक्कर काट रही है। अपने आधिकारिक पत्रों में यूपी सरकार के सूचना विभाग ने तो यहां तक कह दिया है कि अंतिम संस्कार के भुगतान का प्रावधान विभाग के पास नहीं है। बीते साल 16 अगस्त को 93 वर्ष की अवस्था में भाजपा के वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार हुआ और उनकी अस्थियों को देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में ले जाकर भाजपा ने यात्राएं निकाली। आखिर में 23 अगस्त को लखनऊ में गोमती नदी के तट पर अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। गोमती नदी के किनारे हनुमान सेतु के पास एक भव्य आयोजन किया गया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी आयोजन में शिरकत की थी। बांस बल्ली से बैरिकेडिंग, साउंड सिस्टम, स्टेज, लाइट और टेंट की व्यवस्था में कुल 2,54,29,250 रुपये का खर्च हुआ था। प्रदेश सरकार की ओर से लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को यह काम सौंपा गया था। LDA को यह भी कहा गया था कि आयोजन का खर्च बाद में दे दिया जाएगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि विसर्जन के 10 महीनों बाद भी आयोजन के बिल का भुगतान नहीं हो सका है। LDA ने भुगतान के लिए यूपी सरकार के सूचना विभाग को पत्र लिखा तो सूचना विभाग ने जवाब दिया कि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन की तैयारी या व्यवस्था पर पड़ने वाले व्यय का वहन सूचना विभाग से किए जाने का बजट में प्रावधान नहीं। क्या है इस घटना की टाइमलाइन, आइए देखते हैं। 16 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ। 23 अगस्त 2018 को लखनऊ में गोमती नदी के तट पर एक भव्य आयोजन में अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन हुआ। इस आयोजन में लगभग 2.5 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस खर्च का वहन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। प्राधिकरण को सूचना विभाग द्वारा भुगतान मुहैया कराए जाना था। 16 मार्च 2019 यानी लगभग एक साल बाद, बहुत दिनों तक भुगतान न होने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव MP सिंह ने उत्तर प्रदेश शासन के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक को पत्र लिखा। इस पत्र में प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। MP सिंह ने बैंक डिटेल देते हुए अनुरोध किया कि उक्त धनराशि को खाते में जमा करवाया जाए। तारीख आई 15 मई 2019 की। सूचना विभाग में आपसी यानी अंदरूनी पत्राचार हुआ। निदेशक शिशिर ने सूचना अनुभाग 2 के उपसचिव को लखनऊ विकास प्राधिकरण के इस मामले का हवाला दिया और पत्र लिखा कि सूचना विभाग को शासन से प्राप्त होने वाले एनुअल बजट में इस प्रकार के खर्च के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। लखनऊ के एक स्थानीय अखबार में यह खबर छपी और थोड़ा हल्ला हुआ तो अचानक से सूचना विभाग ने भुगतान करने की जिम्मेदारी ले ली। एक महीने पहले भुगतान से पलट गए सूचना विभाग के निदेशक शिशिर ने 25 जून यानी 2-3 दिनों पहले ही एक और पत्र लिखा। इस बार पत्र लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव को एड्रेस्ड था। अपने इस पत्र में सूचना विभाग ने कहा कि मूल अभिलेख सूचना विभाग को मुहैया कराइए ताकि भुगतान की अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। इस बारे में हमने सूचना विभाग के सचिव शिशिर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम अवनीश अवस्थी से जाकर बात करें। हमने यह पूछा कि आदेश पर आपके हस्ताक्षर हैं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्राधिकरण के सचिव MP सिंह से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी हमारे फोन और मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी से बात की। बातचीत में अवनीश अवस्थी ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया था लेकिन पहले बजट में ऐसे किसी कार्यक्रम के भुगतान का प्रावधान नहीं था। फिर महज एक महीने के भीतर ही सरकारी आदेश के पलट जाने के प्रश्न पर अवनीश अवस्थी ने कहा कि 29 मई को ही इस संदर्भ में पहला पत्र जारी किया गया था। तो क्या आदेश पलट जा रहा महज 15 दिनों के भीतर ही, और क्या फाइनल फैसले में बदलाव किया गया? इन प्रश्नों पर अवनीश अवस्थी ने कहा कि नहीं, फैसला बदला नहीं गया, पहले प्रावधान नहीं था लेकिन अब प्रावधान है।
हालांकि यूपी सरकार में मौजूद हमारे सूत्र इस बात पर अलग ही बयान देते हैं। सूचना विभाग में मौजूद हमारे एक सूत्र बताते हैं कि दरअसल इस काम को लेकर बहुत दिनों तक सच में कन्फ्यूजन था कि पेमेंट कौन करेगा। सरकारी तंत्र की देर तो होती ही है, इसमें मामला उलझा रहा और अब खबर चल रही है तो सरकार आनन फानन में भुगतान करने जा रही है। वरना आप ही सोचिए कि अब तक प्रावधान नहीं था, फिर अचानक से प्रावधान कहां से पैदा हो गया। कई अधिकारियों ने बात करने से मना कर दिया और नेताओं के फोन नहीं उठे। हमने यूपी सरकार के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा से बातचीत करने की कोशिश की, जो नहीं हो सकी। होगी तो हम आपको बताएंगे कि क्या बात हुई। ये वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। हमारा ऐप है, सारे वीडियो, सारी खबरें और सारे किस्से कहानियां सबसे पहले पाने के लिए हमारा एंड्रॉयड ऐप Google के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ये खबर, ये बातचीत आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए dilalantop.com। शुक्रिया।